आम आदमी पार्टी अलायंस के चलते मनीष तिवारी नूं टिकट मिली है, जिसके चलते अज कांग्रेस भवन पहली बार इत्थे पहुंचे ने मनीष तिवारी ते उन्हां दा जोरदार स्वागत किया जा रहा है, फुलां नाल उन्हां दा स्वागत किया जा रहा है। तस्वीर तुसीं वेख रहे हो मनीष तिवारी दा उन्हां दे समर्थकां दा जोरदार स्वागत किया जा रहा है। और जिस तरह इस बार कांटे की टक्कर चंडीगढ़ दे चंडीगढ़ कांग्रेस भवन वो पहुंचे ने और फूलों के नाल उन्हां दा स्वागत फूलों की वर्षा की जा रही है। मनीष तिवारी अज पूरे समर्थकों के नाल इत्थे पहुंचे हुए ने, लेकिन पवन बंसल किथे मौजूद नहीं लग रहे। हुण देखना होगा कि कैंपेनिंग नूं लैके किस तरह अज पूरे सपोर्टर्स ने होर जिहड़े उन्हां दे साथी है उन्हां वल्लों उन्हां दा स्वागत किया गया। चंडीगढ़ दी तस्वीरां ने जिथे मनीष तिवारी इत्थे पहुंचे हुए ने अपने समर्थकों के नाल उन्हां दा गुलदस्ता दे के स्वागत किए जा रहा है ते लगातार तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो। कांग्रेस गलबात भी करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्री मनीष तिवारी जिंदाबाद, श्री मनीष तिवारी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मनीष तिवारी सेक्टर 35 कांग्रेस भवन पहुंचे ने ते कोशिश करेंगे उन्हां नाल गलबात करन दी, क्योंकि अज पहली बारी कांग्रेस भवन पहुंचे ने टिकट मिलने तो बाद और जोरदार उन्हां दा स्वागत किया जा रहा है। हालांकि दूजे पासे संजय टंडन बीजेपी दे ने उन्हां दा जोरदार कंपेनिंग भी चल रहा है और इस बारी काफी कांटे दी टक्कर जिहड़ी है वो देखण नूं मिल रही है। और जिन्ने भी समर्थक ने सपोर्टर्स ने वो इत्थे पहुंचे हुए ने, काफी ज्यादा कांग्रेस के जिहड़े सपोर्टर्स ने उन्हां च उत्साह देखण नूं मिल रहा है और वर्कर्स के नाल मिलनी उन्होंने करनी है, जिस नूं लैके इत्थे पहुंचे हुए ने। चंडीगढ़ के सैक्टर 35 की कांग्रेस भवन की तस्वीर ने जिथे मनीष तिवारी इत्थे पहुंचे ने, उन्हां नाल गलबात भी करांगे क्योंकि शहर के जिहड़े मुद्दे हैं शहर के मुद्दों नूं लैके मनीष तिवारी टिकट मिलने तो बाद अज पहली बारी कांग्रेस भवन इत्थे पहुंचे हुए ने ते मीडिया दे नाल भी गलबात करांगे, क्योंकि टिकट मिलने तो बाद कई चीजा ने जिस नूं लैके हुण मनीष तिवारी वल्लों पूरा गलबात कीती जा रही है। मनीष तिवारी जी अपने अपने सपोर्टर्स नूं मिलते हुए अपने साथियों नूं मिलते हुए सब नूं हुण ब्रीफ करांगे। अज काफी वल्लों उन्हां नूं कीता जा रहा है। तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो चंडीगढ़ के 35 कांग्रेस भवन दी तस्वीरां ने जिथे उन्हां वल्लों पार्टी जे जिहड़े वर्कर्स ने उन्हां नाल गलबात कीती जा रही है। वर्कर्स इत्थे पहुंचे ने ते मनीष तिवारी जी HS लक्की ते होर भी जिहड़े साथी ने उन्हां वल्लों कीता जा रहा है ते
तिवारी जी किस तरह देखते हो आज पहुंचे हो टिकट लेने? प्रधान जी बोल रहे, प्रधान जी बोल रहे, दो मिनट करांगे थोड़े सारे नाल करांगे महाराज, सारे नाल करांगे, दो मिनट प्रधान जी बोलने का दियो। मीडिया के साथियों सारे भी मेरे रूम बैठ जाओ, मेरे रूम बैठ जाओ सारे भी भाई आराम नाल करांगे, आराम नाल करांगे। फर्स्ट रिएक्शन चाहिए, आ ले लो, आ ले लो, देखो चंडीगढ़ दे विच लोक राज दा कतल होया सी, उच्चतम न्यायालय नू संविधान दी धारा 142 दे तहत जेड़ी लड़ाई साडे वीर लक्की जी ने और उन्हां दे साथियां ने लड़ी सी, उस लड़ाई नू मुख रखदिया होया इत्थे लोक राज दा कतल बचाया। इंडिया धिर दा उम्मीदवार होण दे नाते मैं लोक राज नू बचाउण दी लड़ाई लड़ रहा, हिंदुस्तान दे संविधान नू बचाउण दी लड़ाई लड़ रहा हैगा, और इस मुल्क दा जिहड़ा ख्याल है, जिस मुल्क ते मुल्क खड़ा है, उस ख्याल दी हिफाजत करन दी लड़ाई लड़ रहा हैगा। ते इस लई साडे जिहड़े सारे साथी ने प्रधान जी, लक्की जी, साबका प्रधान जी और बाकी जिहड़े सारे साथी इत्थे आए ने, मैं सब दा बहुत बहुत धन्नवाद करना चाहुंना, और हुण मीडिया दे साथियों नूं बेनती करना चाहुंना कि सानू क्या कहिंदे ने थोड़ा दो मिनट दा समां दिओ कि अपने साथियों नाल गल कर लईए। थैंक यू, ओके। तो बिल्कुल मनीष तिवारी साफ तौर पर कहते नजर आए कि किस तरह पिछले दिन मेयर के इलेक्शन के किस तरह की चीजा हुई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन हुण असी आए हैं तो लोगों वास्ते जी है लोगों की आवाज चुकांगे, जिहड़े भी वायदे किए थे वो पूरे किए जाएंगे। हालांकि अज तो टिकट मिलने के बाद पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे मनीष तिवारी, यहां पर उनके समर्थकों पार्टी कार्यकर्ता ने जोरदार स्वागत किया है। सीधा मुकाबला उनका संजय टंडन से, बीजेपी के उम्मीदवार से पवन बंसल का टिकट कटा है और वो इस दौरान नजर भी नहीं आए। मनीष तिवारी के सामने यही चुनौती होगी कि अपने साथ रहें, उनको कैसे साथ पाएंगे, सबसे बड़ी चुनौती यही है। मनीष तिवारी पर भरोसा जताते हुए कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब रुख करेंगे हरियाणा की सियासत से जुड़ी बड़ी खबरों का। फरीदाबाद से बड़ी खबर, जहां भाजपा में फूट साफ तौर पर नजर आ रही है। पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए हैं भाजपा उम्मीदवार पर। ये आरोप है करप्शन के। कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में चुनाव प्रचार से भी उन्होंने इनकार कर दिया है। कहा कि पार्टी के सच्चे सिपाहियों को विरोधी बताकर साइडलाइन किया गया। कृष्णपाल गुर्जर की जीत के दावों पर भी उन्होंने चुटकी ली, कहा कि जीत वक्त आने पर तय होगी। ये दावा तो कितने भी लाख का कर सकते हैं। आपको बता दें प्रथला से पूर्व विधायक हैं टेकचंद शर्मा। टेकचंद शर्मा ने विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। कहा कि चाहे पार्टी से उन्हें आज बाहर कर दिया जाए, लेकिन वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जहां तक बात है प्रचार प्रसार की बात, ना तो मेरे को किसी संगठन के पदाधिकारी ने कांटेक्ट किया, ना ही किसी अन्य पदाधिकारी ने कांटेक्ट किया, और ना ही मेरे को प्रतिनिधि से उम्मीद भी नहीं है। आप जहां प्रचार प्रसार की बात है, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा, और ना ही मैं कृष्णपाल जी के साथ कोई प्रचार प्रसार करना चाहता हूं। क्या वजह है, क्यों कृष्णपाल के साथ? कृष्णपाल जी का हर जगह पर भ्रष्टाचार में पूरा नाम आता है। चाहे पुलिस में दलाली के दलालों की लिस्ट आई तो उसमें राजपाल मामा का नाम आया, वो मामा कौन है? भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने निशाना साधा है। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि भाजपा वाले क्या कर रहे हैं, इस पर किसी को विश्वास नहीं है। क्या वो कह रहे हैं, इस पर किसी को विश्वास नहीं है, बल्कि भाजपा ने 10 साल में क्या काम किए हैं, ये आंकलन लोग इस वक्त कर रहे हैं। उन्होंने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद शर्मा बताएं कि आखिर वो सांसद निधि खर्च करने में देश के सभी सांसदों से पीछे क्यों रह गए। उन्होंने रोहतक लोकसभा क्षेत्र में अपने कार्यकाल में विकास कार्य क्यों नहीं करवाए। इतना ही नहीं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर सांसद अरविंद शर्मा ने कभी संसद में
रोहतक लोकसभा क्षेत्र की आवाज उठाई हो, कोई भाषण दिया हो तो वो भी सार्वजनिक करें। देखिए जो आज पूरे प्रदेश में जो हर वर्ग एक नाराजगी है सरकार के प्रति, और जिस तरह का हमने देखा कोसली में जब हमारे रोहतक के प्रत्याशी गए उनका विरोध हुआ, उसके बाद हमने देखा रंजीत चौटाला जी का हुआ, दुष्यंत चौटाला का हुआ, बाकी भाजपा जनपा के नेताओं का उम्मीदवारों का जो हो रहा है, सत्ता पक्ष 5 साल तक बड़ा असंवेदनशीलता से हर वर्ग में एक नाराजगी है उसके सत्ता पक्ष के घमंड को लेकर। लेकिन मेरा लोगों से अपील है कि ये जो गुस्सा है लोगों का ये अपने दिलों में रखें और इसका इजहार वोट की चोट से मतदान में बटन दबा के इसका इजहार करें, जो गुस्सा है लोगों के दिलों में। वहीं बीजेपी ने भी चुनाव प्रचार तेज कर रखा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के पड़खर में पार्टी प्रत्याशी कृष्ण पाल गुर्जर के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सीएम सैनी ने कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर एक किस्से के जरिए तंज कसा, वहीं कृष्ण पाल गुर्जर की बड़ी जीत का दम भरा। एक महीना एक दिन में इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस वाले आए तो सही, कांग्रेस वाले आ ही नहीं रहे। अब लेट आएंगे तो क्या आएंगे, ऐसे आए ऐसे नहीं आए। इनका तो वो हाल है जब भंडारे में कोई जाता है ना और मानो वो लेट हो जाए, 2-3 बज जाए, उसको इच्छा कर ली मैं दौड़ के भंडारे में जाऊं, और जब भंडारे में जाता है आगे देखता है अंदर गए पूरी खत्म हो जाती, हाथ मलता रहता घूमता रहता पूरी मिलती नहीं, निराश होके बाहर आता है, बाहर देखा तो उसने जो चप्पल उतारी थी चप्पल गायब, अंदर पूरी खत्म बाहर चप्पल गायब, बाद में फिर मूंछों को ताव देता है, क्या मजा आ गया। ये इस प्रकार से मूंछों को ताव देते रहेंगे। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। लोकसभा चुनाव के जरिए कांग्रेस की नजरें विधानसभा चुनाव पर टिकी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लोकसभा चुनाव जितवा दो, हरियाणा में अगली सरकार आपकी होगी। ये बयान दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से आया, ताकि पिछली बार अगर रोहतक सीट जीत जाते तो प्रदेश में हमारी सरकार बनती। भाजपा ने छल कपट से रोहतक की सीट जीती थी, इस बार आपको सिर्फ वोट ही नहीं देना बल्कि चुनाव भी संभालना है। कार्यकर्ताओं के बीच महम पहुंचे थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वहां पर वोट की अपील की, साथ ही ये भी कहा कि इस बार आपको सिर्फ वोट नहीं देना बल्कि चुनाव भी संभालना है। भाजपा डरी हुई है इसलिए 2-3 उम्मीदवार भी बदल सकते। वो किसी लिए है कि सबको पता है, बीजेपी को पता है कि रोहतक लोकसभा का सीट का चुनाव अकेले एक सांसद का चुनाव नहीं है। जिस दिन यहाँ से आपके आशीर्वाद से हम जीतेंगे उस दिन हरियाणा की अगली सरकार का नींव रखने का काम आप लोग करेंगे। इस बात का चुनाव पिछली बार भी हो गया था काम, अगर यहाँ से जो कसर रही थी यहाँ से अगर पिछली बार अगर ठीक होती तो नीचे हरियाणा में आपकी सरकार आ जाती कि नहीं आ जाती मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार ही लोग बदलाव चाहते थे। उधर जेजेपी में भगदड़ जैसे हालात बने हुए हैं। नेताओं का जेजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाने का सिलसिला जारी है। ऐसे में करनाल में जेजेपी से बीजेपी में शामिल हुई हैं कमलेश सैनी। जेजेपी छोड़कर उन्होंने बीजेपी का कमर थामा है। नारनौल से जिला परिषद की चेयरपर्सन है कमलेश सैनी, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई। जेजेपी के कई और नेता बीजेपी में शामिल हुए। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश जाएंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज यूपी में जनसभा करेंगे। सहारनपुर और बिजनौर में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जनसभा है। इससे पहले सीएम राजस्थान और उत्तराखंड में भी जनसभा कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी वो जनसभा कर चुके हैं। एक बार फिर से यूपी के दौरे पर है, जहां 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले के तार अब हरियाणा से जुड़ते नजर आ रहे हैं। फायरिंग करने वालों में गुरुग्राम के शूटर का नाम आया है। गुरुग्राम के विशाल उर्फ कालू का नाम इस मामले में सामने आया है। रोहित गोदारा के लिए विशाल उर्फ कालू काम करता है। गुरुग्राम के महावीरपुरा का ये रहने वाला है। रोहतक के सचिन हत्याकांड में भी विशाल का नाम आया था। रोहतक
हत्याकांड के बाद से ही कालू फरार चल रहा है। अब सलमान खान के घर के बाहर कल सुबह जो फायरिंग हुई थी उसमें भी विशाल उर्फ कालू का नाम सामने आया है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में अब सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, तस्वीरें सामने आई है दोनों ही हमलावरों की। काली और सफेद टी शर्ट में नजर आ रहा है एक हमलावर, दूसरा लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए है। तस्वीरों के आधार पर दोनों हमलावरों की सरगर्मी से तलाश जारी है। दोनों शूटर्स को लेकर एजेंसियों के हाथ अहम सुराग लगे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग कल हुई थी, दो हमलावरों ने फायरिंग की थी, उनकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है जिसमें दोनों हमलावरों का हुलिया पहचाना जा रहा है, जिसमें काली और सफेद टी शर्ट में एक हमलावर तो दूसरा लाल रंग की टी शर्ट में नजर आ रहा है। गुरुग्राम में विशाल उर्फ कालू के घर पुलिस ने पहरा बैठा दिया है। फिलहाल घर पर कोई मौजूद नहीं है। सुबह घर पर विशाल की माँ और बहन जरूर थे, वो दोनों भी यहाँ से किसी रिश्तेदारी में चले गए हैं। देर रात यहाँ दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी, विशाल की माँ और बहन से पूछताछ की थी क्योंकि घर के बाहर जो फायरिंग हुई उसमें विशाल उर्फ कालू का नाम सामने आया है। गुरुग्राम के महावीरपुरा में विशाल रहता था परिवार के साथ। विशाल के दोनों भाई भी अपने किसी परिचित के यहाँ चले गए हैं।